विधायक बनने को बड़ा आदमी नहीं आया जिंदगी में, हमेशा वो पूजा जाता है जिसको अपने सच्चाई के साथ फिरा है। अरे भारी नहीं हुई है और ये लोग गिरफ्तारी अभी तक करने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं राजनीति को तो छत ठोक का राजनीति करा, कोई डर नहीं अपने इस बात राजनीति करने का। क्या मतलब राजनीति का मतलब क्या होता है? अगर मेरी बहनों के बात राहुल गांधी उठा रहे तो स्वागत करेंगे मुझ बात का। अपना दम पर बैठे, अपने विचार खातिर बैठे, अपने सम्मान के लिए बैठे, अपनी बहनों के इज्जत के लिए बैठे। एक बात हो, अपराधी कोई अपराधी अपने आप को कहता है अपराधी नहीं है। आज तक किसी ने बड़ी बात सुने, आज तक किसी अपराधी ने कहा मैं अपराध नहीं करता, लेकिन जब तक जांच होगी जब अपराधी अपना अपना होगा। अरे एक बात और है, जो लोग अपना छाती में अगर वो अपराधी नहीं होता तो क्यों मीडिया में कहता मैं अपराधी नहीं हूँ? अपना घर बैठो अगर आदमी सच्चा है तो, लेकिन अगर आप मीडिया में खड़े हो अपने आप का अपना पक्ष ले रहे हो तो इसका मतलब अपराध दिखता है। आप देख लेना उसकी जबान लड़कराती है जब उसे भाषण देता है, अगर कोर्ट में नहीं तो आदमी जड़बान नहीं लगाई खड़की। पुलिस ने फोन भी नहीं किया, आप आइए आपसे हम पूछताछ करेंगे। बई दिल्ली पुलिस सीधी सीधी दबाव में सरकार के, कौन है गृहमंत्री, कौन है प्रधानमंत्री? अगर उसके अंदर में उसकी सरकार करती है, लेकिन भाई कोई बात नहीं बाहुबली है, लेकिन हम भाई अपनी बेटियां सम्मान तले भाई गरीब भी आदमी लड़ता है और हम तो फिर भी मजबूत हैं। हरियाणा के कमजोर ना मानना है, बराबर की टक्कर से टक्कर लेकर आएंगे। अरे यार सरकार जो कुर्सियां बहम है नहीं ब्रजभूषण की कुर्सियां बहम है, सरकार की कुर्सियां बहम है। इस कुर्सी ना बैठ जाए भाई और इस कुर्सी के पाए लाएगा जाएंगे, छोटा कोई नहीं। इज्जत वह बात है रही है और इज्जत भाई जब तक लड़े आगरा और सारे लड़ने लाएंगे। बहने साथ नहीं दे रही है, खिलाफ हैं। कोई बात नहीं, सारी बहने साथ में, आप कहां से लेके आते हो? कौन खिलाफ नहीं है, कौन खिलाफ है बताइए? सारी सारी बहने साथ में है। अच्छा आप जिस बात बहन की बात करें ना भाई, ये तो सबसे बड़ा शर्म है। एक बहन धर्म नहीं निभारी और ना कोई अपना खिलाड़ी का धर्म होता है, वो अपने खिलाड़ी का धर्म यार मत समझ गया आप जिसकी बात कर रहे हो। अभी गप भी तब होगा अटकी, लेकिन एक बात है भाई, अगर उसने ना तो अपना खेल का धर्म मान रही, ना अपना कुश्ती का धर्म मान रही, ना अपना पिता का धर्म मानी, सिर्फ राजनीति धर्म, तो कोई विधायक बनने को बड़ा आदमी नहीं आया जिंदगी में, हमेशा वो पूजा जाता है जिसको अपने सच्चाई के साथ खड़ा है। अरे बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके एक भी विधायक सांसद मंत्री भाई जब मेरी बात सुन लो, जब गिरेगा नहीं बड़ा बड़ा पेड़ गिरा कर दुनिया अपने आप दूर हो जाग रहे, क्योंकि बहम हो तो भाई पार्टी का अब गणित हम एक पार्टी बहम नहीं बम, इतनी बड़ी पार्टियां तो ये आंदोलन नहीं जड़ काटने का काम करेंगे। राजनीति कर रहे हैं आप लोग, कांग्रेस राजनीति कर रही है इसीलिए सब। देखिए भाई मेरे बात सुन लिया, कल तो बात उठाई जाए, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना। अगर विपक्ष आवाज उठाएगा राजनीति कहेंगे, राजनीति है तो करेंगे भाई। अगर विपक्ष का काम आवाज उठाना, हम भी विपक्ष में सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं राजनीति को तो छत ठोक राजनीति करा, कोई डर नहीं हमने इस बात राजनीति करने का। क्या मतलब राजनीति का मतलब क्या होता है? राजनीति का मतलब होता है कि आवाज उठाना, सरकार के पक्ष में जितना विपक्ष मजबूत होना चाहिए। और अच्छी बात है विपक्ष हमारे साथ आया है, हम जमाई में विपक्ष मजबूत होगा तभी सरकार सत्ता पक्ष के ऊपर प्रेशर होगा। और छाती ठोक के कहा राजनीति करा तो करांगे, कोई फर्क नहीं भाई इस बात तुमने। विपक्ष राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, इन्होंने कभी फूल नहीं बिछाया बीजेपी के लिए और यहाँ पर आकर राजनीति चमका रहे हैं लोग। भाई सीधी बात है, वो विपक्ष के नेता है, विपक्ष का नेता होता है अगर जनता की आवाज को ऊपर उठाना। अगर मेरी बहनों की आवाज राहुल गांधी उठा रहे तो स्वागत करेंगे मुझ बात का। और बीजेपी का अगर कोई मारी आएगा, अगर मारी बहनों की आवाज उठाओगा तो भी स्वागत करेंगे, कोई बात नहीं। राजनीति होया अगर राजनीति चलेगी। दिल्ली की बिजली जो है वो केजरीवाल के हाथों में है, लेकिन यहाँ पर बिजली काट दी गई है भाई साहब। केजरीवाल के हाथों में वो कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो प्रशासन है, जो एसपी है उसका हाथ में, और एसपी किसका? दिल्ली पुलिस बीजेपी की। भाई हमने इस बात का नाम एक आम आदमी पार्टी का नाम ना कोई, लेकिन बात हम सरकार के खिलाफ है, हम पार्टी के खिलाफ नहीं है भाई, सरकार के खिलाफ है। कि सरकार में बैठे हो जो इस अध्यक्ष में बैठे भ्रष्ट, वो भी सरकार में सांसद है तो डबल सरकार में है। और भाई सरकार के खिलाफ लड़ाई हमारी किसी पार्टी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। और राजनीति नुका नहीं करा तो करांगे भाई, विपक्ष का काम होता आवाज उठाना और आवाज उठा रहे, कोई दिक्कत नहीं हमने राजनीति। सोच लिया है 24 में मोदी जी को हटाना है भाई, 24 में अगर सरकार से कोई भी नहीं हो, मोदी बात नहीं होती, अगर सरकार कोई अगर काम नहीं करती तो हटा देना चाहिए को कोई भी हो। अगर इस मोदी है तो मोदी ना हटावेंगे, छत्ती ठोक का काम पूरे हटाने की कोशिश रहेगी। ठाकुर का बयान आया जो खेल मंत्री, उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म कर दीजिए, जो मांगे थी मांगों को मान लिया गया, आप लोग एफआईआर चाह रहे थे। एक बार पूछ के रखा था क्या हमने आंदोलन है? उसने कह गया आए थे क्या बैठने खातिर? उसको परमिशन लेके आए थे, लेटर लिखे थे भाई साहब बड़े बैठा, अपना दम पर बैठे, अपने विचार खातिर बैठे, अपने सम्मान के लिए बैठे, अपनी बहनों के इज्जत के लिए बैठे। अरे भाई अपने जब तक लड़ाएंगे कुछ कौन सा है हमारा दम उठाने वाला? अपना काम करो भाई, खेल मंत्री अपना खेल मंत्रालय संभाले, लेकिन जो सीधी सी बात है भाई, उसने अगर वो भी अगर पक्ष ले रहे तो साथ में है, लेकिन इस आंदोलन को हम भाई अपनी बहनों की इज्जत के लिए। एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि ब्रजभूषण ने कई बार जो महिला पहलवान थी उनके ब्रेस्ट पर हाथ रखा है, अलग तरीके छुआ है, गर्दन पर हाथ रखा है। भाई यही दौर के पागल हैं क्या बैठे?
या कुछ आते भी तो हुआ होगा, लेकिन भाई इज्जत सबकी होती है, सबके माँ बाप होते, सबकी बेटी होती, सबने इज्जत प्यारी होती है। इज्जत के दबाव के अंदर कई बार आवाज नहीं उठाई जाती, इसका मतलब ये नहीं कि आप आवाज पहले नहीं उठाई। आवाज जब आदमी कमजोर होता ना तो आदमी मौका ढूंढता है, जब उसको लगता है मेरी आवाज उठनी चाहिए जब उठाता है। तो मेरी बहन ने आवाज उठाई, गलत गलत बढ़ा पहले क्यों नहीं कर भाई, वो जब आवाज उठाए गलत हुआ तो कभी हुआ तो गलत का अन्याय के खिलाफ आवाज है और अन्याय होना चाहिए और इसी न्याय की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं। तो कमजोर होती जा रही है यहाँ पर, संख्या लगातार कम हो रही है। संख्या नहीं है, मैं बता दूं भाई साहब, पूरा देश अलर्ट पे बैठा, रेड अलर्ट पे। एक बार हलवा दो सारा दिल्ली ने ठोक के भगा दिया, ट्रैक्टर ट्रालियां लगी दे बैमो, कमजोर ना मानना है। पूरा जितने भी आ रहे हैं ना, अकेला नहीं आ रहा मैं, पूरा पूरा मेरा जितना भी इलाका सारा सारा साथ खड़ा है। ये जितने एक आदमी नहीं है, एक एक आदमी चार चार आदमी बराबर है। ऑर्डरों को सील कर दिया जाए, कोई बात नहीं भाई साहब। जब ट्रैक्टर ले के किसानों को कुकर रोक के दे, जब उसके लगाएंगे नहीं धक्का ट्रैक्टर के, मोटर बटन में टूट जाएगा, नहीं बैठेगा ना, जेल भेजेगी ना, जेल की कोई बड़ी बात नहीं है। जब संविधान में व्यवस्था दी गई है, संविधान व्यवस्था, अब तो टीवी वालों ने अपना कैमरा तक हटा लिया है। सर ये बताओ, संविधान में व्यवस्था दी गई है, संविधान बना है, संविधान में लिखा हुआ है, जिसके ऊपर है, जिसके ऊपर है, जिसके पास कैमरा वाला नहीं, जान पहचान वाला रहेगा, उसकी इज्जत ऐसे नीलाम हो जाएगी, जिसको कोई नहीं जानेगा, जिसके लिए कोई एक आदमी भी यहाँ नहीं आएगा, उसकी इज्जत नीलाम हो जाएगी। आप जवाब दो ना, मान लीजिए मेरे को कोई नहीं जानता तो मेरी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं, तुम जैसे मर्जी जैसे चलोगे। लेकिन चीजें मीडिया में आती हैं, सरकार के कानून तक जाती है, उम्मीद की जाती है उसे इंसाफ न्याय। यार सरकार बीच में क्या आ रहा है, ये तो कानून है और पुलिस है, कानून है। FIR दर्ज हो गई कमांडर थाने में, कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, गिरफ्तारी नहीं हुई, सरकार का शह तभी तो। गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये लोग गिरफ्तारी अभी तक करने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अभी 164 जो धारा लगी है, कानून का तो उल्लंघन कर रहे हैं ना, तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी कमी है। मोदी जी के दायां हाथ है, उनको कैसे गिरफ्तार।